बेटा आपके फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं और कल मैंने हिंदी का क्लास लिया था। आज मैं हिंदी में आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। टुडे इज फ्राइडे, सो आपके आज हिंदी व्याकरण का टर्न है। फ्राइडे एंड सैटरडे मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी और मंडे टू थर्सडे मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आज आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी, पार्ट 6 सर्वनाम, ठीक है। आज मैं आपको लेसन 6 सर्वनाम के बारे में बातें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम पहले बुक रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर राइट करवा दूंगी, फिर आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं लेसन 6, ये है आपके लेसन 6 सर्वनाम, ठीक है। तो पहले हम इसे रीड करते हैं। को सर्वनाम के बारे में समझा देते हैं कि सर्वनाम क्या है। आपका ये लेसन 6 है सर्वनाम, ठीक है। देखिए मैं पढ़ती जाती हूँ और आप समझते जाइए। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व धन नाम। सर्व का अर्थ है सबका, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, ठीक है। आप इसी से समझ जाइए कि सर्वनाम क्या है। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति वस्तु भाव दशा प्राणी के नाम को नाम से ही संबोधित करते हैं, ठीक है। ऐसा हम करते हैं ना, आप भी करते होंगे। लेकिन यदि हम इन नामों को का प्रयोग बार बार करें तो वाक्य अटपटे बन जाते हैं। आइए हम इस बात को उदाहरण द्वारा समझाते हैं। जैसे कौवा प्यासा था, कौवा पानी ढूंढ रहा था, कौवे ने एक घड़े में पानी देखा, घड़े में पानी कम था, कौवे ने घड़े के पास पड़े कंकर घड़े में डाले, पानी ऊपर आ गया, कौवा प्रसन्न हो गया, कौवा पानी पीकर उड़ गया। तो अब देखिए हम इसको बता रहे हैं कि ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। जैसे इस गद्यांश को पढ़ने पे हम कुछ अटपटा सा लग रहा है, इस गद्यांश को हम दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। कौवा प्यासा था, वह पानी ढूंढ रहा था, उसने एक घड़े में पानी देखा, उसमें पानी कम था, उसने घड़े के पास पड़े कंकर उसमें डाले, पानी ऊपर आ गया और वह प्रसन्न हो गया, वह पानी पीकर उड़ गया। तो अब ये बहुत ही अच्छा एक लग रहा है कि आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन वहाँ पर बार बार कौवा कौवा कौवा, घड़े घड़े घड़े, है ना। तो ये एक अच्छा सेंटेंस नहीं बन रहा था, लेकिन आप जब इसमें मैंने नीचे जो पढ़ा दोबारा, ये एक अच्छा वाक्य बन गया, ठीक है। तो क्या इस कहानी को पढ़कर आपको इसमें आए परिवर्तन का पता चला कि इस कहानी में कौवे के लिए उसने तथा और वह, उसने तथा वह, है ना, आया है ना। आप देखिए अभी मैंने जो पढ़ा है, वह घड़े के लिए उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन शब्दों को इसी प्रयोग ने कहानी के सौंदर्य को बढ़ा दिया है ना। वहाँ बार बार कौवा 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 बोल रहे हैं, तो जैसे हम किसी भी इंसान को बार बार उसी नाम से उसी बातों से अगर बोलते हैं तो अटपटा सा लगता है, लेकिन अगर हम उसमें वह उसने हमें मुझे ऐसा कुछ लगा देते हैं तो वो जो वाक्य बहुत ही सुंदर बन जाता है। तो बस हमें इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे हमने जो संज्ञा आपका क्या था, जैसे हमने जो पढ़ा कौवा घड़े, है ना, वो उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, वह उसने, है ना। तो यही संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा है, हाँ देखिए इसमें बगल में है, शब्द का लिंग निर्धारित किया जा रहा है। पुल्लिंग है एक तरफ, स्त्रीलिंग है, जैसे मैं जा रहा हूँ, स्त्रीलिंग है मैं जा रही हूँ, है ना। पुल्लिंग है वह पढ़ रहा है, स्त्रीलिंग है वह पढ़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नीचे लिखा है, सर्वनाम शब्दों का वचन प्रभाव अवश्य पड़ता है ना। वो स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, तो हम पुल्लिंग को कहेंगे मैं जा रहा हूँ और स्त्रीलिंग को मैं कहूँगी कि मैं जा रही हूँ। वैसे ही एक वचन है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो और जब हम एक के साथ अगर कई लोग बैठ करके खाना खाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम खाना खा रहे हैं। तो ये एक वचन और ये बहुवचन है ना। हम ये नहीं कहेंगे अगर बहुत सारे लोग एक संग बैठ के खाना खा रहे हैं तो क्या हम ये कहेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि हम हमारे संग एक साथ कई सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन का भी हो गया और ये ऊपर मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये आपको मैंने समझा दिया।
अब इसके बाद आइए देखिए सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। देखिए इसमें आपके पिक में दिख रहा है सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, वाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, नीचवाचक। ठीक है, अब इसको एक एक करके देखिए। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, जिससे बात करता है उसके लिए, तथा जिसके बारे में वह बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग करता है, वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि उसे लेकर आना है ना, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है बेटा, आप उसको पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब आप अपने मुंह से उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करे, है ना, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वह मेरा घर है, ये नहीं हम कहते हैं कि शायद वहाँ मेरा घर था, नहीं, वो मेरा घर है, हमें निश्चय है, हम इस बात की मेरी निश्चयता है कि नहीं वो हम वो तो मेरा घर है ही। जैसे ये मेरी पेंसिल है, मुझे पता है कि मेरी पेंसिल है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे मैंने अभी बताया कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते। जैसे अगर हम दरवाज़ा बंद है और हम कहते दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो शायद वहाँ शायद कोई खड़ा है ना, हमारा ये निश्चय नहीं है, ये अनिश्चय है। दूध में कुछ गिरा है, हम जान नहीं रहे कि दूध में कुछ गिरा है या नहीं, बस हम सोच रहे हैं, तो ये अनिश्चय है। ठीक है, फिर आया आपका 4 संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो जैसे इसमें देखिए लिखा है, ऑप्शन दिया है, जो एग्जाम्पल दिया है जो करेगा सो भरेगा, है ना, ये बता रहे हैं ना कि जो करेगा सो भरेगा, जिसे चाहो बुला लो, तो ये संबंधवाचक हो रहा है ना। जैसे कुछ प्रमुख संबंधवाचक सर्वनाम जैसे शब्दों के उदाहरण देखिए हैं, नीचे दिया है, जिसने, उसे, जिसका, उसका, जो, सो, है ना, तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आया है 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न के लिए होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हम वहाँ प्रश्नवाचक लगाते हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। ठीक है, यहाँ भी हमने क्या लगा दिया तो हमारा प्रश्न लग गया। क्या दरवाजे पे कोई खड़ा है, क्या आप कल आएंगे, क्या मुझे वहाँ जाना है, जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आपका है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं साइकिल खुद ही चला के चला जाऊँगा, है ना, मैं किसी के सहारे नहीं हूँ, मुझे खुद ही चलाना है, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। ठीक है, आया आपका निजवाचक सर्वनाम, आप खुद से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया सर्वनाम। मैंने आज आपको इस सर्वनाम शब्द को पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।